तो ये क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद अब आता है हम लोग के पास क्लास 8, राइट। तो सबसे पीछे क्यों बना रहे हो, तो सबसे पहली बात पीछे नहीं बना रहे क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है और आइडिया जमा करने में थोड़ा सा यार टाइम लगता है, ठीक है। तो समझा करो, फिलहाल आज के जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 8 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड आज के जोड़े में हम लोग सभी सब्जेक्ट नहीं देखेंगे बल्कि साइंस और मैथ को बस कवर करेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो होता है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, कहीं पर इंग्लिश होगा तो कहीं पर नहीं भी होगा, ठीक है, कहीं पर हिंदी होगा तो कहीं पर नहीं भी होगा, बट साइंस और मैथ जो होता है हर जगह फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। सो आज हम लोग क्लास 8 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का साइंस और मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, ठीक है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देने जाते हैं, तो इस बात का जरूर से ख्याल रखना, ठीक है। फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे क्लास 8 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल पटना बिहार से होने वाला है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा मेहनत के बाद इस वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है, तो आपका ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद आपको और भी कोई वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग इसको सबसे पहली बार में फर्स्ट क्लिक में आ गए, सो कांग्रेचुलेशन, आपको अभी भी अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे क्लास 8 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर जो कि साइंस और मैथ्स स्पेसिफिकली होने वाले, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा टीचर्स जो होते मिस कर देते, बट आज की इस वीडियो में आपको और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, सब कुछ डालना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है, जो भी होगा मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी इंट्रो डालते क्योंकि इंट्रो काफी ज्यादा बड़ा हो गया बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा वो सब कुछ समझ गए। फिलहाल इंट्रो डालते, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल 16 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है हम लोग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर मैं 16 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल 16 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। इसका जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। तो इसका एक बार पैटर्न देख लेना, इस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बस 16 क्वेश्चन, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो दूसरा पीडीएफ देखेंगे जहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 16 क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर टोटल आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, वही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन के साथ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन और सभी चैप्टर से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर देखो, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम आपको सेट थ्योरी मिलेगा, ठीक है। सेट थ्योरी कोई कोई क्लास 8 में होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। फिलहाल आपका होगा तो वहाँ पर मैंने उसके अलग से क्वेश्चन बना दिया, अगर आपका नहीं है तो उसको आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैंने आपको दे दिया। अब देखो, क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा बट क्वेश्चन पैटर्न जरूर से सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात और ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से पहले जो हमने जस्ट एक क्वेश्चन पेपर देखा और यहाँ अभी जो हम लोग स्टिल देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप लोग इजिली इन दोनों क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन का जो पैटर्न है मैंने काफी ज्यादा इजी रखने का कोशिश किया है और इजी टू हार्ड करने का किया है, ठीक है। मीन सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड आएगा, बट ओवरऑल जो है क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन पेपर है, अभी इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं साइंस के ऊपर, ठीक है।
तो भाई लोग अभी हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले बता देता हूँ, साइंस को हम लोग 3 भाग में देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हो फिजिक्स, ठीक है। इस फिजिक्स से जो है मैंने टोटल 9 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब देखो फिजिक्स से और भी क्वेश्चन बन सकते थे, बट ओवरऑल मैंने क्वेश्चन को छोटा रखने का कोशिश किया क्योंकि ऑलरेडी साइंस 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो फिजिक्स से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के उसी से मैंने क्वेश्चन बनाना प्रेफर किया, ठीक है। सो ये टोटल 9 सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री है इसको थोड़ा कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल मैंने 30 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। 30 का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग 30 क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो तो आपको और भी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबको देख लेना। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर साइंस का 2 मेन ब्रांच खत्म हो जाने के बाद, मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब आता है हम लोग के पास बायोलॉजी, ठीक है। नो यहाँ पर बायोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर है, फूड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट आ जाता है हम लोग का कंजर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 4 चैप्टर से, जो कि ओवरऑल आपका यही 4 चैप्टर है, उसे आपको 4 चैप्टर से टोटल 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 5 से ये जो 10 क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाए, ठीक है। तो ये आप लोग इसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकता था, बट मैंने क्वेश्चन पेपर को छोटा रखने की कोशिश की क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, राइट। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के जाना और होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना क्योंकि यार इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, और अभी और भी कई सारे सब्जेक्ट बचा है तो उसके ऊपर भी जरूर से लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत। Like a Hellcat.